अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े और आलू के पकोड़े। ठीक, हमने लिया एक अदद बैंगन और एक अदद आलू इसमें, और हमने साथ में ये बेसन लिया एक पाव जितना। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, एक चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई हल्दी थोड़ी सी आधी चम्मच, इन सब इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। ठीक, और ये आलू हमने गोल गोल, आलू और बैंगन को हमने गोल काट लेना है। बैंगन ये गोल स्लाइसेस में काट लेने हैं। इस गोल स्लाइसेस कर लिए, आलू को पानी में डिप करेंगे। जब तक हमने ये फ्राई पैन चूल्हे पे रखा है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये ऑयल गर्म होता है, ये ऑयल हमने फ्राई पैन में डाला है। ऑयल हमारा जब तक गर्म होता है, और ये हमने बेसन का घोल जो था वो तैयार कर लिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से एक ही रुख पे करना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ये शामिल किया है, 1 चम्मच। ठीक, अब हमने इसको एक ही रुख पे ना अच्छी तरह से, ताकि इसमें बिल्कुल भी ना बेसन की कोई भी गुठली ना रहे। ये अच्छी तरह से इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये आयल हमारा गर्म हो गया, और ये हमने एक एक करके इसमें ये बैंगन के, ये देखिए इसको बेसन लगाया, इसमें डिप करते हुए इसी तरह से आलू के लिए। ठीक, ये देखिए आलू के स्लाइसेस भी बीच में डाल लेंगे, और इसको ये बहुत जल्दी और बड़ा अच्छे, जल्दी से कोई मेहमान आ जाए तो फौरन ये बन जाते हैं घर में। बैंगन लिए, आलू लिए, और बैंगन के पकोड़े, घर की चीज़ें, और बच्चों को बना के दे, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए ये हमारे ब्राउन हो गए हैं, और साथ साथ हम इसको फ्लेम हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, क्योंकि अगर कम होती है तो इन पकोड़ों में ऑयल चला जाता है। ये हमारे बैंगन के पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखें अब हम इसे निकालने लगे, जब जब गोल्डन से हो जाए जब हम इन्हें निकाल लेंगे शाम की चाय के साथ, बहुत मज़ा देते हैं। और कोई गेस्ट आ जाए फौरन तैयार। आलू और बैंगन के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। खाने में ये बहुत मज़े के बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।